हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल फादर ऑफ रिएक्शन। मेरा नाम है विकास यादव और आज आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज वीडियो लेके आया हूँ, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहा हूँ उसका टाइटल हिंदी में था तो मैंने इसको ट्रांसलेट किया हुआ। बढ़ते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। वैन बजी यानी हरभजन सिंह वैन बजी ब्रोक ऑस्ट्रेलिया प्राइड इंडिया वे ऑस्ट्रेलिया 2001 सीरीज, ये इनकी कोई बायोग्राफी टाइप वीडियो है, इनके सक्सेस को लेके वीडियो है। जिस चैनल से ये वीडियो ली है उस चैनल का नेम है इंस्पिरेशन ब्लेज। वीडियो का ओरिजिनल लिंक और चैनल का नेम आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, इसको विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मजीद आगे बढ़ने से पहले अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो। फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब वाले बटन के साथ बेल आइकन घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी यार नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को व्यू करते हैं उसके बाद हम अपना रिव्यू देंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया को मैच और सीरीज जीतने के लिए 4 रन चाहिए। बैटिंग पे हरभजन सिंह आए। अपने फॉर्म और अपने गुस्सैल रवैये के वजह से भज्जी पिछले 15 महीने इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर थे, लेकिन पिता की मौत और 5 बहन की जिम्मेदारी ने सब कुछ बदल के रख दिया। उन्होंने क्रिकेट को छोड़ अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर बनने का सोचा जिससे वो घर वालों को फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट कर सके। लेकिन भज्जी को अपने पिता की बात याद आई कि पिता मुझे एक क्रिकेटर के रूप में देखना चाहते थे, ना कि एक ट्रक ड्राइवर। उन्होंने अपने क्रिकेटिंग स्किल्स को बैक किया और खुद को उस एक मौके के लिए तैयार किया जिस मौके पे वो अपने हुनर को पूरे दुनिया के सामने दिखा पाते। अनिल कुंबले की गैर मौजूदगी में दादा ने बहुत ही जद्दोजहद करके भज्जी को टीम में शामिल करवाया था और भज्जी को जिस एक मौके की तलाश थी वो उन्हें इस सीरीज में मिला। सीरीज में भज्जी ने 32 विकेट लिए थे। नेक्स्ट बेस्ट इंडियन बॉलर जहीर खान और सचिन तेंदुलकर जिन्होंने पूरे सीरीज में 3-3 विकेट्स लिए थे। भज्जी ने आज ही सुबह 8 विकेट लेके ऑस्ट्रेलिया को 264 रन पे ऑल आउट किया। इतनी मेहनत और मुशक्कत करने के बावजूद आखिरी 4 रन भज्जी को ही मारना था। ये इस कहानी का एंड है। इस कहानी की शुरुआत होती है 25 मार्च 1998 को इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए 17 साल के हरभजन को टीम में शामिल किया गया, बावजूद इसके कि डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे भी गेंदबाज मौजूद थे जिनके आंकड़े भज्जी से बेहतर थे। फिर टीम में उनकी सिलेक्शन की क्या वजह थी? वजह उनकी लाइन और लेंथ और जिस टप्पे पे भज्जी बॉल डालते थे वहां से बॉल एक्स्ट्रा बाउंस लेके बल्लेबाज को काफी परेशान करती थी। एक 17 साल का पंजाबी नौजवान जिसमें पहले से ही बेहद उत्साह भरी थी, उसे अपने डेब्यू मैच के पहले ही ओवर में एक बेहतरीन गेंद पे अपना पहला टेस्ट विकेट मिला। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ड्रीम स्टार्ट, लेकिन आगे जो होने वाला था वो उनका करियर डिफाइन करने वाला था। उस इनिंग्स में उन्हें एक और विकेट मिला लेकिन उस मैच में वो उनका आखिरी विकेट था। पूरे मैच में भज्जी ने 136 रन देकर 2 विकेट्स लिए, सिर्फ 2 विकेट्स। पहले ओवर में विकेट लेने के बाद अगले 28 ओवर में सिर्फ एक और विकेट। इस टेस्ट सीरीज के तुरंत बाद हुए जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रायंगुलर सीरीज में भज्जी का नाम टीम में नहीं था। अगले महीने शारजा में होने जा रहे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ खेले जाने वाले कोका कोला कप में भज्जी को टीम में शामिल किया गया। एक बात आप लोगों को बता दूं कि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही मजबूत टीम के रूप में देखी जाती थी। हर टीम उन्हें हराने के लिए अपनी पूरी जान झोंक देती थी। इस सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 58 रन से हराया था। 3 दिन बाद वापिस से शारजा के उसी मैदान में ये 2 टीम आमने सामने खड़ी थी। भज्जी बॉल डालने आए, पॉन्टिंग स्ट्राइक पे थे। पॉन्टिंग ने भज्जी को छक्का मारा। अगले बॉल पे पॉन्टिंग ने आगे बढ़ के सामने शॉट मारने की कोशिश की पर बीट हुए और कीपर मोंगिया ने उन्हें स्टंप कर दिया। भज्जी की रिएक्शन देखिए, आँख में वो आग और जुबां पे कुछ शब्द। 17 साल का एक लड़का जो टीम में सबसे छोटा था वो माइटी ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज को ऐसा सेंड ऑफ दे रहा था। मैच रेफरी ने उन्हें एक मैच के लिए बैन कर दिया। बस इतना ही था। फिर न जाने क्या हुआ, उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। उनके लिए टीम में जगह नहीं थी और सेलेक्टर्स के रडार से वो ओझल हो चुके थे। कुछ महीने बाद उन्हें एक नया टैग मिला, चकर। सस्पेक्ट बॉलिंग एक्शन के सुधार के लिए उन्हें 5 महीने इंग्लैंड में गुजारने थे। वापसी के बाद इंडियन टीम में और दूसरे स्पिनर्स आ चुके थे। अपने उसी गुस्सैल स्वभाव के वजह से नेशनल क्रिकेट एकेडमी से भी उन्हें बेदखल कर दिया गया और पंजाब के रणजी टीम से भी उन्हें निकाल ही दिया जाता। शुक्र हो उन सीनियर्स का जिन्होंने भज्जी पे भरोसा रखा और ऐसा होने से रोका।
और भी कुछ बुरा हो सकता था। हाँ, पिता का देहांत, पीछे रह गए एक भज्जी, उनकी माँ और पांच बहन की जिम्मेदारी, घर को चलाने की जद्दोजहद में क्रिकेट उनसे दूर जाता दिख रहा था। अपने दोस्त के तरह वो अमेरिका जाके एक ट्रक ड्राइवर बनने वाले थे, जिससे वो अपने फैमिली को थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। लेकिन उन्हें अपने पिता की बात याद आ गई। इस ख्याल के बाद उनके आंख में आंसू आ गए कि पिता मुझे एक क्रिकेटर के रूप में देखना चाहते थे, ना कि एक ट्रक ड्राइवर के रूप में। भज्जी ने अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स को बैक करने का फैसला किया। उन्होंने खुद से सिर्फ 3 सवाल किए। पहला, कि मुझे टीम से क्यों ड्रॉप किया गया। दूसरा, अब मैं टीम में वापसी के लिए क्या कर सकता हूँ। और तीसरा, क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है। तीसरे सवाल का जवाब तो साफ ना था। भज्जी दूसरे सवाल का जवाब ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने अपनी सभी ट्रेनिंग और ड्रिल्स को 2 गुनी कर दिया। 11 बजे से देर शाम तक वो ग्राउंड पे ही रहते, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग करके ग्राउंड के 15-20 चक्कर लगाते। कुछ पाने का जो जुनून होता है ना, जुनून, वो उनमें था। और जब आप किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हो तो ऊपर वाला आपको रास्ता जरूर दिखाता है। डोमेस्टिक सर्किट में भज्जी पहले से भी और मंजी गेंदबाजी कर रहे थे, और फिर आया वो मौका जिसने इंडिया को एक ऐसा प्लेयर दिया कि जब भी किसी ऑफ स्पिनर को याद किया जाए, हरभजन सिंह का नाम खुद ब खुद उसके बाद लिया जाए। मार्च 2001, पिछले 15 महीने भज्जी टेस्ट क्रिकेट से बाहर थे। इंडिया के बेहतरीन स्पिनर अनिल कुंबले इंजरी के कारण टीम का हिस्सा नहीं बन सकते थे, और माइटी ऑस्ट्रेलिया, जिन्हें पिछले 15 टेस्ट मैच में दुनिया की कोई भी टीम नहीं हरा पाई थी, वो हमारे देश टूर पे आ रही थी। टूर्नामेंट से पहले ऑस्ट्रेलियन कप्तान स्टीव वॉ ने कहा, हम 16वां, 17वां और 18वां टेस्ट मैच जीतने आ रहे हैं। दादा, जो कि उस वक्त इंडियन टीम के कप्तान थे, भज्जी उनके रडार में थे, और उन्होंने सेलेक्टर्स को तुरंत बेंगलोर में होने वाले इंडियन कैंप में भज्जी को शामिल करने को कहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच में भज्जी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। वीवीएस लक्ष्मण इंडिया ए टीम के कप्तान थे, वो स्लिप से भज्जी की बॉलिंग देख रहे थे। लक्ष्मण भी भज्जी की बॉलिंग देख के हैरान रह गए, एक स्पिनर इंडियन पिच से इतनी बाउंस कैसे जनरेट कर रहा है। ऑस्ट्रेलियंस भी हैरान थे। लंच के वक्त दादा ने स्पिनर्स की परफॉर्मेंस जानने के लिए लक्ष्मण को कॉल किया। लक्ष्मण ने दादा को भज्जी के बारे में बताया। दादा ने उनसे तुरंत कहा, अब भज्जी को बॉलिंग मत देना, ऑस्ट्रेलियन के सामने भज्जी को अब और एक्सपोज मत करो। लंच के बाद बॉलिंग ना दिए जाने पर भज्जी लक्ष्मण से बहस करने लगे, लेकिन जब लक्ष्मण ने दादा से की हुई सारी बातें उन्हें बताया, तब भज्जी शांत हुए। पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियन कप्तान स्टीव वॉ ने टॉस के वक्त कहा, इंडियन टीम का फॉर्म खराब है और उन्होंने हाल में ज्यादा टेस्ट मैचेज नहीं खेले हैं, तो हम लोग पहले बॉलिंग करेंगे और अपना 16वां लगातार टेस्ट मैच जीतेंगे। इंडियन पिच पे जहां 4th इनिंग्स में बॉल बहुत ज्यादा स्पिन करता है, कोई भी टीम टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करता है। ऑस्ट्रेलिया ने उसका ठीक उल्टा किया और उन्होंने जो कहा वो करके भी दिखाया। मैच 3 दिन में खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 3 दिन के अंदर इंडिया को उनके ही घर में 10 विकेट से हराया। दादा पे कप्तानी छीने जाने का दबाव था, उन्हें इस सीरीज और अपने कप्तानी दोनों को बचाना था। दूसरा टेस्ट मैच कोलकाता में, दादा की परेशानी बढ़ाने के लिए जवगल श्रीनाथ अपने फिंगर इंजरी के कारण इस मैच में नहीं खेल रहे थे, और अजीत आगरकर सिकनेस के वजह से टीम से बाहर थे। इस बार ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया। लंच तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 193 पर 1 विकेट। मैथ्यू हेडन 97 पर खेल रहे थे, और जब से हरभजन बॉलिंग पे आए, हेडन ने उन्हें एग्रेसिवली खेला और उन्होंने गलती कर दी। हरभजन के बॉल पे वो आगे बढ़े, बॉल के पिच तक वो नहीं पहुंच पाए। उन्होंने बल्ला घुमाया, बॉल हवा में और सीधा स्क्वायर लेग पे तैनात सब्स्टिट्यूट फील्डर एचके बदानी के हाथ में। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 252 पर 4 विकेट। रिकी पॉन्टिंग भज्जी के सामने थे, लेकिन इस बार 20 साल के भज्जी में स्थिरता थी। उस आग में कोई कमी नहीं थी, बस उस आग को उन्होंने अपने बॉलिंग में चैनलाइज कर लिया था। इस टूर पे पॉन्टिंग पहले से ही भज्जी के सामने स्ट्रगल कर रहे थे, और फिर ये हुआ। भज्जी के ड्रिफ्ट करती बॉल को, जो असल में उन्हें फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए था, उन्होंने उसे बैक फुट पे खेला। बॉल स्किड होकर सीधा उनके पैड पे, LBW आउट।
अगला बॉल भी गिलक्रिस्ट के लिए सेम उसी तरह का था और वो भी लेग बिफोर विकेट आउट हुए। गोल्डन डक। बैटिंग पे उस वक्त फिरकी के राजा शेन वॉर्न आए और भज्जी हैट्रिक पे थे। 80,000 दर्शक की दहाड़। ऑसीज पे भयानक प्रेशर था। ओवर पिच बॉल लेग साइड पे और शेन वॉर्न कॉट एट शॉर्ट लेग। पूरी स्टेडियम झूम रही थी। 20 साल के हरभजन सिंह पहले इंडियन क्रिकेटर बने जिन्होंने टेस्ट मैच में हैट्रिक लिया हो। कुछ महीने पहले भज्जी को ये भी नहीं पता था कि वो दोबारा इंडियन टीम के लिए खेलेंगे और आज वो पूरे इंडियंस के आंखों का तारा बन चुके थे। दिन के खत्म होने के बाद इंटरव्यू में भज्जी ने कहा, मेरे पिता सरदेव सिंह अगर आज यहाँ होते तो मेरे परफॉर्मेंस से बहुत खुश होते। ये वही फेमस टेस्ट मैच था जिसमें लक्ष्मण और द्रविड़ ने फॉलो ऑन में 376 रन की पार्टनरशिप बना के सीरीज को बराबर किया और ऑस्ट्रेलिया के 16 जीत के विनिंग स्ट्रीक को तोड़ा। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। सीरीज अभी बराबरी पर थी। इंडिया को अपना स्वाभिमान वापस पाने के लिए चेन्नई में होने वाले टेस्ट मैच को भी जीतना था। दादा की कप्तानी की अग्नि परीक्षा अभी बाकी थी। सीनियर बॉलर वेंकपति राजू और वेंकटेश प्रसाद की खराब फॉर्म एक चिंता का विषय था। दोनों प्लेयर को तीसरे मैच के लिए टीम से ड्रॉप किया गया। इस मैच की बॉलिंग लाइनअप कुछ यूं थी। हरभजन सिंह 10 टेस्ट मैच, सहीर खान 3 टेस्ट मैच, नीलेश कुलकर्णी 2 टेस्ट और सहराज बाहुतुले का डेब्यू। जहीर खान के साथ दादा गेंदबाजी की ओपनिंग कर रहे थे। चौथा दिन 7वें विकेट की पार्टनरशिप के लिए शेन वॉर्न और स्टीव वॉन ने 30 रन जोड़ लिए थे। ऑस्ट्रेलिया की लीड 131 तक पहुंच चुकी थी। दिन का आखिरी बॉल, शेन वॉर्न स्ट्राइक पे। कोई भी बैट्समैन जल्दी से वो बॉल खेल के पवेलियन नॉट आउट होके जाना चाहेगा, लेकिन दादा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो फील्ड को एडजस्ट करने लगे। पहले खुद को बिना हेलमेट के सिली पॉइंट पे रखा और अब 5वें कैचर एस रमेश को गली पे बुलाया। वो बस वॉर्न को वेट करवा रहे थे। भज्जी ने बॉल फेंका, वो एक धीमी हवा में लहराती ऑफ ब्रेक। वॉर्न ने डिफेंस के लिए पूरा फ्रंट लेग आगे निकाला। जब उन्हें समझ में आया कि लेंथ को उन्होंने मिसजज किया है, वो पैर पीछे कर ही रहे थे कि बॉल उनके नी के पिछले हिस्से में लगा और अंपायर एवी जयप्रकाश को LBW आउट देने में ज्यादा समय नहीं लगा। भज्जी ने पहले इनिंग्स में 7 विकेट और इस इनिंग्स में 8 विकेट लेके ऑसीज को 264 रन पर ढेर कर दिया। इंडिया को अब जीत के लिए 155 रन चाहिए थे। इंडिया बड़े ही आसानी से टारगेट तक पहुंच रहा था, लेकिन ये सीरीज जो पूरी तरह से पेंडुलम के तरह गुजरा हो, वहां कुछ भी एक तरफा नहीं हो सकता। एक वक्त पे इंडिया का स्कोर था 101 पर 2 विकेट और कुछ ही देर बाद 122 पर 5 विकेट। लेकिन कोलकाता के हीरो लक्ष्मण अभी भी मौजूद थे और जब तक वो थे उम्मीद कायम थी। अभी भी 20 रन और चाहिए थे। टी के बाद की दूसरी बॉल पे लक्ष्मण ने ऑफ स्पिनर को बैक फुट पे पुल किया। मार्क वॉ ने मिड विकेट पे गजब का कैच लिया। 50,000 लोग स्टेडियम में थे और पिन ड्रॉप साइलेंस। जैसे तैसे करके समीर दीघे ने कुछ रन बनाया, साथ में 2 और विकेट गिरे। जीत के लिए 4 रन और चाहिए थे। भज्जी बैटिंग पे आए। इतनी मेहनत करने के बाद भज्जी ने सोचा होगा, अब जीत के रन मारने की जिम्मेदारी भी मेरी। भज्जी ने जब ये रिस्की सिंगल लिया तब पवेलियन में सबकी सांसें थम गई होगी, पर जब भज्जी ने मैग्रा के यॉर्कर को पॉइंट के तरफ गाइड करके वो डबल भागा, तब एक साथ पूरी इंडिया जश्न में झूम उठी। इंडिया वो सीरीज जीत चुकी थी और उस माइटी ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने हराया। और अब हरभजन सिंह अगले 15 साल विश्व क्रिकेट में अपनी फिरकी के जादू से राज करने के लिए तैयार थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें यार। ये स्टोरी सुन के ना, हरभजन सिंह की बायोग्राफी देख के बहुत ही ज्यादा मुझे तो मजा आया। अब आप लोगों का मुझे नहीं पता आपको कैसी लगी ये वीडियो। हालांकि हरभजन सिंह को मैंने काफी अरसे बाद देखना स्टार्ट किया था, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मैच बहुत कम होते। मैंने 2004 में इंडिया की टीम पाकिस्तान के टूर पे आई, तो उस वक्त मैंने हरभजन सिंह को फर्स्ट टाइम देखा था। और उसी वक्त ही उस वक्त तक तो ये बहुत ऊपर के लेवल के बॉलर बन चुके थे। विकेट निकालना, इनकी स्विंग, दूसरा गेंद डालना, बहुत
फेमस हो चुके थे। लेकिन ये सारी वीडियो जिस दौर की दिखाई गई है वो 1998 से लेके 2001 तक इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज तक की सारी ये इनकी स्टोरी थी। हालांकि मेरे माइंड में था ये पूरी उनकी लाइफ की पूरे क्रिकेट कैरियर की स्टोरी होगी। कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो हरभजन सिंह ने भी ऐसा करके मेहनत करके आप लोगों को दिखाया बताया कि मेहनत जब आप करोगे तो उसका फल भी आपको मिलता है, आप खाली हाथ वापस नहीं लौटते। ये किसी भी प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, हर किसी प्लेयर की ये ख्वाहिश होती है। लेकिन हजारों में से चंद लोग ऐसे होते हैं जो बहुत थोड़े अरसे में इतने फेमस होते हैं, इतनी तरक्की हासिल करते हैं। जी तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को मेरा रिएक्शन कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ऐसी किसी और वीडियो पे अगर आप मेरा रिएक्शन देखना चाहते हैं उस वीडियो का लिंक आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर दें, मैं आपकी रिक्वेस्ट पे जरूर अमल करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें अपने इस चैनल का, भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।